मायावती ने इलेनो से तोड़ा गठबंधन, अब इस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। जोड़ तोड़ की राजनीति भी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने बड़ा ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अचानक हरियाणा में इलेनो से गठबंधन तोड़ लिया है। मायावती ने जैसे ही हरियाणा में इलेनो से अपना गठबंधन तोड़ा, सियासत हड़कंप मच गया है। बसपा ने शनिवार को इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन तोड़ने और भाजपा के करीबी सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से गठबंधन करने का ऐलान किया। मायावती के इस फैसले से इनेलो को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि इससे पहले बसपा के दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनने की चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरी समय में मायावती ने सारा समीकरण बदल दिया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन। जानकारी के मुताबिक बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया। दो दलों ने हरियाणा से लोकसभा की सभी 10 सीटों और विधानसभा की सभी 90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की। दोनों दलों ने इसके लिए सीटों का भी बंटवारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बसपा 8 जबकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 35 बसपा और 55 पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह है कि इस गठबंधन में मायावती कितने सीटें जीतती हैं या फिर हरियाणा की राजनीति में कोई नया समीकरण बनता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।